أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज की इस वीडियो में मैं आपको 15 शाबानुल मुअज्जम के दिन मगरिब से पहले करने का एक मुजरब अमल बताऊंगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर लाजमी देखें। आखिर में बहुत ज़रूरी हिदायत और उलमाए किराम से आजाना गुजारिश भी है, तो इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिए। बहुत अरसा कबल ये अमल मुझे मेरी मुअल्लिमा से हासिल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी फ़ायदा हुआ और मेरे बताने पर बहुत से दीगर लोगों को भी फायदा हुआ। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि हर साल अपने मुहिब्बीन और मुतालिकीन को याद दहानी करा दूं। करना आपने ये है कि 15 शाबानुल मुअज्जम के दिन मगरिब से चंद मिनट कबल बावजू अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 11 बार, दरमियान में 40 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अजीम पढ़ें और दुआ करें। माली फरावानी, रूहानी तरक्की और रफ़ दर्जात के लिए बहुत मुफीद अमल है। अल्लाह ताला हम सबको ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ज़रूरी हिदायत, याद रहे कि ये अमल खालिस बुजुर्गों के मुजरिबात में से है, इसलिए जिसका मन चाहे करे और जो मुतमईन ना हो वह हरगिज़ ना करे, क्योंकि पुख्ता यकीन होना हर अमल के कारगर होने के लिए शर्त है। नीज ये अमल करने से सिर्फ फ़ायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं। नीज उलमाए किराम से गुजारिश है कि फ़िक़्ही मोशगाफियों से गुरेज करें, बिदात और मनगढ़ंत फतवे लगाकर अवाम के दिलों में शकूक व शुबहात और वसाविस पैदा करने से परहेज करें। इस अमल में कुरान पाक की आयत मुबारक और अल्लाह तबारक तआला का इस्मे मुबारक है, इसके अलावा कुछ नहीं। अल्लाह ताला मुझ समेत तमाम बहन भाइयों की हर परेशानी दूर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह नेगेबान।